अनुराग कश्यप की फिल्मों में जीवन का अंधेरा पक्ष देखने को मिलता है। शायद इसीलिए उन्हें रमन राघव ने आकर्षित किया, जिसने 60 के दशक में मुंबई में 41 लोगों की हत्याएं की थी। यह फिल्म उस पर आधारित न होकर उससे प्रेरित है। अनुराग कश्यप ने रमन राघव के किरदार को उस दौर से उठाकर वर्तमान समय में फिट किया है। रमन अजीबोगरीब इंसान है। वह भगवान से बातें करता है और जानवरों जैसी उसकी प्रवृत्ति है। लोगों की हत्या करने में उसे सुकून मिलता है। क्रूर इतना कि बहन से भी बलात्कार कर उसके परिवार को मौत के घाट उतार देता है। रमन के पीछे पुलिस ऑफिसर राघव पड़ा हुआ है। पुलिस यूनिफॉर्म में वह भी रमन से कम नहीं है। ड्रग्स लेता है और इमोशन की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। फिल्म की शुरुआत में इन दो किरदारों में बहुत अंतर दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच अंतर करने वाली रेखा पतली होती जाती है, फिर धुंधला जाती है और अंत में रमन और राघव एक हो जाते हैं। इस फिल्म को वासन बाला और अनुराग कश्यप ने लिखा है। छोटी सी कहानी को विस्तार देना आसान बात नहीं है और लेखन के मामले में फिल्म कई जगह कमजोर पड़ती है। कुछ ऐसी गलतियां भी है जो खलल पैदा करती है। चोर पुलिस के खेल में थ्रिल पैदा करने के बजाय दोनों किरदारों पर जरूरत से ज्यादा समय खर्च किया गया है। सिनेमैटिक लिबर्टीज थोड़ी ज्यादा हो गई है। फिल्म का फर्स्ट हाफ तेजी से चलता है, लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म खींची हुई लगती है, खासतौर पर जब फिल्म रमन से राघव पर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि विक्की कौशल अच्छे अभिनेता होने के बावजूद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्तर तक नहीं पहुंच पाते। मास्टर स्ट्रोक फिल्म के अंत में खेला गया है, जब राघव की गिरफ्त में रमन आ जाता है और रमन राघव के एक होने के बारे में बताता है। लेखन की कमी की पूर्ति अनुराग अपने निर्देशन के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनके काम में दोहराव नजर आने लगा है। अनुराग ने ऐसे कई शॉट्स दिखाए हैं जो दर्शकों को रमन की मानसिकता से परिचित करा देता है। इसमें लोकेशंस का खास महत्व है। तंग बस्तियों की गलियां, खस्ताहाल बिल्डिंग्स, कीचड़ और सड़क पर पसरी गंदगी के बीच घूमते रमन की यह दिमाग की भी गंदगी है। फिल्म में हिंसा का अतिरेक है और निर्देशक ने यह काम दर्शकों की कल्पना पर छोड़ा है। रमन और राघव की क्रूर और निष्ठुर सोच फिल्म में दिखाई हिंसा से ज्यादा हिंसक है। फिल्म में कहानी के नाम पर दिखाने को ज्यादा नहीं था और ऐसे वक्त में कलाकारों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। यहीं पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार अपना कमाल दिखाते हैं। हत्यारे की भूमिका में न तो वे चीखे चिल्लाए हैं और न ही ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने संवाद बोले हैं। अपने किरदार के बेतरतीब स्वभाव को उन्होंने अपना हथियार बनाया। वे कब क्या कर बैठे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है और इसके जरिए ही उन्होंने खौफ पैदा किया है। उनकी संवाद अदायगी गौर करने के काबिल है। विक्की कौशल अपने बाहरी आवरण से अपने आप को क्रूर दिखाने की कोशिश करते नजर आए और उनका अभिनय औसत रहा है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तारीफ के काबिल है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर रमन राघव 2 परफेक्ट फिल्म न होने के बावजूद ज्यादातर समय आपको बांध कर रखती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।